इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। बेंगलुरु कोर्ट ने यह फैसला लेते हुए ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया। कॉपीराइट मामले में कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज कराया था। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ म्यूजिक कंपनी एमआरटी ने कॉपीराइट का मामला दर्ज कराया था। इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में व्यस्त चल रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस इस यात्रा का खूब प्रचार करने में जुटी हुई है। इसी के चलते सोशल मीडिया पर चलाए जाने के लिए कुछ वीडियोस तैयार किए गए थे, जिनमें साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 के म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने मेकर्स या साउंड ट्रैक की अनुमति के बिना ही फिल्म के म्यूजिक का इस्तेमाल कर लिया, जिसके बाद एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने राहुल गांधी पर कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई थी। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने का आदेश बेंगलुरु कोर्ट ने दे दिया है।